अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन जिंजर। जिंजर चिकन कह लें, चिकन जिंजर कह लें। तो उसके लिए मैंने हाफ के जी ये चिकन लिया है। इसको धोकर इसमें अदरक लहसुन लगाकर ये मैं 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। चिकन को मैरिनेट किए हुए अदरक लहसुन में मुझे 1 घंटा हो गया। अब मैंने एक पतीली ली है, उसके अंदर तकरीबन हाफ से थोड़ा ज़्यादा, हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा जो है वो 1/3-1/4 कप जो है ऑयल डाला है। ऑयल गरम हो गया तो ये जो मैरिनेट की हुई चिकन थी इसको डाल के गोल्डन फ्राई करेंगे। चिकन हमारी गोल्डन फ्राई हो गई, ये देखें अदरक लहसुन भी इसके अंदर लग गया। अब हम ये सारी चिकन जो है वापस निकाल लेंगे एक पैन में, इसका ऑयल फंसा के ये सारी चिकन जो है वो एक एक करके वापस पैन में निकाल लिया। सारी चिकन को निकाल लिया हमने गोल्डन फ्राई करके। अब मैं 1 अदद बड़ी प्याज जो है उसको चॉप करके वो इसमें डालूंगी। इसको थोड़ा सा सौते करेंगे। ये प्याज थोड़ी सौते हो गई जब, तो फिर मैं इसमें 3 अदद टमाटर चॉप करके ये डाल दूंगी। बिल्कुल गोल्डन ब्राउन नहीं करना प्याज को, बस सौते करना है। इसके अंदर ये टमाटर डाल दिया, ये टमाटर को थोड़ा सा सॉफ्ट किया। फिर उसमें मैंने 1 टेबल स्पून नमक डाला, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च डाली, 1 टेबल स्पून ही इसमें काली मिर्च डाली। ये सब डाल के और चूल्हा आहिस्ता करके फ्लेम, चूल्हे की फ्लेम जो है इसको स्लो करके ये चावल को, ये सॉरी टमाटर को गलने के लिए रख देंगे। ये देखें व्यूअर्स, जो हमने टमाटर वगैरह डाल के इसको भूनने के लिए रखा था, ये इस तरह भून गया। अब हमने जो चिकन निकाली थी वो वापस डाल देंगे, जो हमने अदरक लहसुन में गोल्डन फ्राई करके निकाली थी। इस चिकन को हम वापस डाल के फिर इसके साथ भूनेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इस चिकन को थोड़ा सा भून के फिर थोड़ा सा पानी डाल के इस चिकन को गलने के लिए रख देंगे। अब इसको हल्की आंच करके और इस चिकन को गलने के लिए रख देंगे। इसी तरह इसमें जो है थोड़ी सी ये अदरक कटी हुई डाल देंगे, जिरन कटी हुई अदरक, ताकि इसके अंदर अदरक का जिंजर का टेस्ट आ जाए। और थोड़ी सी हरी मिर्च मैं इसमें डालती हूँ। ये इसमें 4 अदद मैं हरी मिर्चें काट के डालती हूँ। अब इसको चिकन गलने के लिए तकरीबन 10 मिनट तक मैं हल्की आंच पे रख के और इसका चूल्हा जो है वो बहुत स्लो कर दूंगी और इसको पकने के लिए रख दूंगी चिकन गलने के लिए। उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करती हूँ क्या इसके साथ क्या प्रोसेस होगा। ये देखें व्यूअर्स, कढ़ाई को भून दिया, जो मैंने आपको चढ़ाया हुआ था थोड़ा सा पानी डाल के गलने के लिए रखा था, जब वो गल गई तो उसको भून दिया, तेल छूट गया, तो ऊपर से ये हरी धनिया और अदरक है तो अदरक से भी, अदरक मैंने इसके अंदर इतनी डाल दी थी तो मैंने ऊपर से गार्निश नहीं किया, इसलिए कि हमारे यहाँ अदरक ज़रा कम खाई जाती है, तो इसमें कि ज़्यादा अदरक डल के ये बनता है, और ऊपर से हरी धनिया से गार्निश किया और ये जिंजर चिकन रेडी है। इस रेसिपी से जिंजर चिकन बनाइएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।